भाई गुरदास साहब कहंदे ने सतगुर पारस परसै कंचन करै मनूर मलीना। कहंदे गुरु जेड़ा है वह पारस की तरह है, पारस नू लोहा छू जाए वह सोना बन जाता है, ते मनूर मनूर का अर्थ हुंदा है जेड़ा लोहा बेकार हो जाए किसी काम का ना रहे, जिन्हों जंगाल लग के सड़ जाए गल जाए तो वह जेड़ा मनूर हो गया किसी काम का नहीं, वह भी सोना बन सकता है। जिस दिन बाबा अमरदास गुरु की भाल विच है ना कि मैनू कोई गुरु लभ जे, अमृत वेले मंजे दे उपर लिटे हुए सन यही पावन पंगतियां कन्ना दे विच पईयां, भया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तनिहा। उठे उस वेले केड़ा गुरु मिल जे जेड़ा पारस की तरह ते मैं मनूर लोहे की तरह मैं सोने वर्गा बन सकता हाँ। और हकीकत यह है गुरु अंगद साहब महाराज की शरण में आए सचमुच सोने की तरह कि वह खुद ही पारस बन गए, मनूर हो चुका लोहा सोने सोने वर्गा बन सकता है जे पारस नू छू जाए जेदे अंदर औगण भरे हुए है, जेड़ा औगणा दे विच सड़ चुका है, जेड़े जेदे मत्थे लगन वास्ते लोग भी तैयार नहीं हुंदे वह भी सोने वर्गा चंगे गुणा वाला बन सकता है जे गुरु दे कोल आ जाए, गुरु रूपी पारस नू छू जाए तो हकीकत यह है उहदे विचों सोने वर्गे गुण चमकन लग जाते हैं नजरी आ जाते हैं। भाई गुरदास साहब जी ने अगला वचन कहा, कहिंदे सतगुर बावन चंदनों वास सुबास करे लाखी ना। गुरु जेड़ा है ना वह बावन चंदन का भाव विद्वान लिखते हैं कि 52 को उंगलां उच्चा रुख हुंदा है उहनूं आपां चंदन कहिंदे, उहदे विचों महक आउंदी है खुशबू आउंदी है, आले दुआले दे जिन्ने दरख्त हुंदे आ उहनां विचों वी महक आउण लग जांदा है। भाई गुरदास साहब कहिंदे ने जंगल विच आले दुआले दे रुखां दे विचों खुशबू आउण लग जांदी है चंदन दे करके, ते हकीकत यह है गुरु भी वह बावन चंदन की तरह जेड़ा इहदे कोल आ जाए उहदे विचों वी चंगे गुणा की महक आउण लग जांदी है, उहदे विचों वी शुभ गुणा की खुशबू आउण लग जांदी है। भाई गुरदास साहब अगला वचन करते, गुर तीर्थ दरियाओ है पशु प्रेत करे प्रवीणा। गुरु उस दरिया की तरह है जिहदे विच पशु आउंदे है ते तृप्त हो के जांदे है, हकीकत यह है आ गुरु उह सरोवर की तरह है, इत्थे पशु बिरती वाले लोग आउंदे है इत्थे चंगे गुणा वाले बन के चले जांदे है, गुरु हुंदा ही उह है। और गुरु जेड़ा ना पशु बिरती वालियां नू देवते बिरती वाले बना दिंदा है, ते बनाउण लग्यां कोई लम्मा समा नहीं लगदा, गुरु जदों बदलन ते आउंदा ते कुछ सैकेंड लगते हैं। आपां मुबारक बचन पढ़ते गुरु नानक साहिब महाराज जी का, सतगुरु कहिंदे ने बलहारी गुर आपणे दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। समा थोड़ी लग्या गुरु नूं, गुरु की नदर पैन की देर है ठग सज्जन बन जाता है, गुरु की नदर पैन की देर है इत्थे चोर साध बन जाता है, गुरु की नदर पैन की देर से राक्षस जेड़ा सी वह सतगुरु के चरणों ते डिग पैंदा है, नदर है ना सतगुरु की। गुरु जेड़ा है वह पशु बिरती वालियां नूं चंगी बिरती बनाउण की समर्था रखता है, मान सरोवर सतगुरु कागो हंस जलो दुध पीना। गुरु ओ मान सरोवर है, मान सरोवर दे विच हंस आउंदा है हीरे मोती चोक के लै जांदा है, तो एक पासे छप्पड़ है छप्पड़ दे कंडे ते बंगला आउंदा है कां आउंदा है उत्थे चुंझा मार के गारे दे विच चुंझा मारी जांदा है, दोनों दे विच फर्क है ना, भावें बंगला जेड़ा है रंग दा वह भी चिट्टा है पर वह जदों खाएगा वह केवल ते केवल जीव नूं पकड़ेगा डड्डी नूं पकड़ेगा मच्छी नूं पकड़ेगा, और जो हंस है ना वह हकीकत है गारे दे विच चुंझा नहीं मारेगा, वह मान सरोवर तो मोती चुगदा है। भाई गुरदास साहब कहिंदे गुरु ओ मान सरोवर दी तरह है, इत्थे कां बिरती वाले आउंदे है हंस बिरती वाले बन के चले जांदे है। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विचों आपां मुबारक बचन पढ़दे हैं, सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा गुरु है ना अमृतसर सतगुर सत वादी जित नहाते कौआ हंस हो। गुरु वह अमृत सरोवर की तरह है, ये कां बिरती वाले आए ये कां बिरती वाले जेड़े है ना वह हंस बिरती वाले बन के चले गए,
ते भाई गुरदास साहब जी ने अगला बचन कहा, कहिंदे गुरु का अगला गुण है सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना। गुरु जेड़ा है ना वह बंदी छोड़ है, जेड़ा गुरु दे कोल आउंदा वह बंधना तो मुक्त हो जाता है। दुनियावी तौर दे उपर मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे कोई पल्ले नू पकड़ लवे ते ग्वालियर दे किले दे विचों राजे जेड़े बंधना विच पए होए सन, जिन्हां नू जिंदगी दी कोई आस ही नहीं सी, जिन्हां नू संगलां दे नाल बद्धा होया है, जिन्हां नू चंगी तरह कोई भोजन भी नसीब नहीं हुंदा, उन्हां दे खाने दे विच लून ते थोड़ा थोड़ा जहर दिता जांदा है। हकीकत उन्होंने आस ही ला दिती है कि कदे असीं जिंदगी वेख सकांगे, पर उन्होंने गुरु के पले नू पकड़िया, उन्होंने नवी जिंदगी नसीब हो गई, उन्होंने बंधन कटे गए। हकीकत यह है जेड़ा गुरु के पले नू पकड़ लैंदा, मनुख के शरीर से जेड़े बंधन पए हुए है ना वह भी कटे जाते, जिहड़ी मनुख की मानसिकता के उपर बंधन पए हुए वह भी कटे जाते हैं।